नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राम किंकर बैज, जो एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। मूर्ति शिल्प जिन्होंने अपने बनाए हैं इस तरह के, जिनके लिए वो अपने मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके कुछ मूर्ति शिल्प ऐसे हैं जिनको हम आज भी देखते हैं तो सीधे हमारे मन में एक ही नाम याद आता है, राम किंकर बैज का। और कुछ इस तरह के मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए हैं कि जिनको देखकर हमें उत्साह महसूस होता है। ठीक, इस तरह के मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए हैं, तो उन्हीं मूर्ति शिल्पों की हम बात करेंगे राम किंकर बैच को पढ़ते हुए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपके जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं उतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिलती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊं। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने कुछ नया आने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राम किंकर बैज को। लिखेंगे राम किंकर बैज, एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, एक ऐसे मूर्ति शिल्प जिन्होंने अपने चित्रों की कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई थी। ठीक, अब इनके बारे में देखते हैं। आधुनिक भारत के श्रेष्ठ मूर्ति शिल्पों में सबसे पहला नाम जाना जाता है राम किंकर बैज का, श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्पों में मैं कहूंगी। तो लिखेंगे भारत के प्रथम मूर्ति शिल्प, भारत के प्रथम मूर्ति शिल्प, मूर्तिकार राम किंकर बैच। भारत के प्रथम मूर्तिकार के रूप में हम जानते हैं राम किंकर बैच को। देखिए, इनकी प्रसिद्धि थी, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो लिखेंगे प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध थे राम सॉरी किंकर दा के नाम से। कहां पर? शांति निकेतन में। तो लिखेंगे किंकर दा के नाम से, ये किंकर दा के नाम से, ये शांति निकेतन में इनको किंकर दा कहकर बुलाया जाता था। और ये अपने इसी नाम के लिए काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इनका जन्म हुआ था, अच्छा इनका जन्म और मृत्यु का मैंने ऊपर लिखना भूल गई हूँ, लिखेंगे 1906 से 1980 ईस्वी, ये इनका जन्म और मृत्यु का समय। लिखेंगे जन्म 25 मई 1906, 25 मई 1906 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्थान था पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में, पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में। देखिए, सभी स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, मेरी बुक्स की बहुत ज्यादा इंतजार है, तो क्योंकि बुक्स की जितनी भी प्रिंट कॉपी थी वो खत्म हो चुकी है अभी, और मैंने दूसरी प्रिंट करने के लिए दी है, वो आने वाली है। 2 दिन का समय और लगेगा, 2 दिन के समय के बाद आप उसको अमेजोन पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी और वह आपको फिर स्टॉक में आ जाएगी, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं इजीली और आपको मिलनी वो शुरू हो जाएगी। 2 दिन का समय दीजिएगा, 2 दिन का समय लगेगा, उसके बाद वो प्रिंट कॉपी आपकी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए, स्थान है पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में। अब देखेंगे, देखिए इनकी शिक्षा जो हुई थी वो शांति निकेतन में हुई थी, शांति निकेतन में नंदलाल बोस के सानिध्य में, मतलब नंदलाल बोस इनके गुरु थे, तो नंदलाल बोस के सानिध्य में इनकी शिक्षा हुई थी। और ये कला शिक्षक बने कब बने? ये कला शिक्षक बने थे 1931 ईस्वी में, एक कला शिक्षक बने। कहां पर? किस स्कूल में? आसनसोल ऊषा ग्राम मिशनरी स्कूल था। कहां? आसनसोल ऊषा ग्राम में मिशनरी स्कूल। आसन गोल उषा ग्राम मिशनरी स्कूल में ये अध्यापक बने थे, कला अध्यापक। ठीक है, तो देखिए अध्यक्ष बने
कब बने अध्यक्ष और कहां पर बने? तो ये अध्यक्ष बने थे दिल्ली कला महाविद्यालय के, दिल्ली कला महाविद्यालय के। दिल्ली कला महाविद्यालय के ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब देखिए कब बने थे, तो 1932 ईस्वी में, और ये दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति कला विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 1932 ईस्वी में, ठीक। 1932 ईस्वी में कला विभाग के अध्यक्ष बने थे, मूर्ति कला विभाग के। इन्होंने स्मारक की प्रतिमा बनाई थी सर्वप्रथम, तो लिखेंगे सर्वप्रथम स्मारकीय प्रतिमा, जिसका नाम है सुजाता। सर्वप्रथम स्मारकीय प्रतिमा इन्होंने बनाई थी सुजाता, और ये 1935 ईस्वी में बनाई थी। 1935 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी। किससे बनाई थी? इसका माध्यम क्या था? तो माध्यम लिखेंगे, माध्यम लिखेंगे इसका सीमेंट व कंक्रीट, सीमेंट व कंक्रीट से इन्होंने ये बनाई थी। देखिए इनका बेसिक माध्यम ही यही था, सीमेंट और कंक्रीट से ही इन्होंने कलाकृतियों का निर्माण किया है, ठीक है। अब देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा और। ये इनका सर्वप्रथम उल्लेखनीय कार्य था सुजाता, ठीक। सर्वप्रथम उल्लेखनीय कार्य था इनका सुजाता, और इसके बाद सबसे विशेष कार्य और जिसके लिए इनकी प्रसिद्धि थी या जिसके लिए ये प्रसिद्ध हुए, उस कार्य को हम पढ़ेंगे। कृति देखेंगे इनकी, संथाल परिवार, संथाल परिवार या संथाल फैमिली के नाम से आता है, काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, संथाल परिवार या संथाल फैमिली। विश्व प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों में से एक है, या विश्व प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, ठीक है। कौन सा है? संथाल परिवार विश्व प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहलाता है। इन्होंने बनाया था 1938 ईस्वी में। कब बनाया? 1938 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। अब देखिएगा इनका दूसरा, ये कहां पर है? कला भवन के परिसर में। कहां? कला भवन के परिसर में, कला भवन के परिसर में इन्होंने ये बनाया था। माध्यम भी इसका वही था, सीमेंट और कंक्रीट माध्यम से ही बनाया गया था, क्योंकि इनका बेसिक माध्यम ही यही था। ये कहेंगे प्रिय माध्यम ही इनका यह था, सीमेंट और कंक्रीट। और इनके बारे में देखिए कुछ प्रश्न ऐसे पूछ ले जाते हैं, इनका माध्यम क्या था, इन्होंने संथाल परिवार को किस माध्यम में बनाया था, और दूसरी चीज पूछ ली जाती है कि इनके चित्रों की प्रदर्शनियां लगी या नहीं लगी। इसे आपको ऑप्शन में दे देगा, निम्न में से किस कलाकार के चित्रों की एक भी प्रदर्शनी नहीं लगाई गई थी, तो इस तरह से इनके बारे में पूछ लेता है। और एक इन्होंने बनाया था बहुत ही मतलब कहेंगे एक प्रसिद्ध चित्र मैं कहूंगी, तो एक प्रसिद्ध चित्र और देखेंगे इनका, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर ये कृति भी इन्होंने बनाई थी, हार्वेस्टर। और ये इन्होंने बनाई थी कब बनाई थी? देखिए इन्होंने 1943 में बनाई थी, 1943 ईस्वी में ये बनाई थी। और ये इसमें एक महिला को धान कूटते हुए दिखाया गया है, हार्वेस्टर में इन्होंने ये कृति बनाई थी, महिला को धान कूटते हुए दिखाया गया। इन्होंने दो आवक्ष प्रतिमा बनाई, आवक्ष प्रतिमा, तो इनकी आवक्ष प्रतिमाओं के बारे में देख लेंगे कौन कौन सी इन्होंने आवक्ष प्रतिमा बनाई थी। देखिए प्रथम बनाई थी इन्होंने पोएट बनाई थी इन्होंने, ये दोनों ही कृति रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी, या ये कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित थी। तो पहली इन्होंने बनाई थी पोएट, पोएट इन्होंने शीर्षक दिया था, मतलब कवि, कवि कौन है? रविंद्रनाथ। दूसरी का शीर्षक इन्होंने रविंद्रनाथ ही रखा था, ठीक। दूसरा था रविंद्रनाथ, जिस समय ये रविंद्रनाथ को चित्रित कर रहे थे उस समय रविंद्रनाथ अपनी मृत्यु शैया पर थे, और इनको बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से
रविंद्रनाथ ये जानते थे कि इनको बहुत दुख होगा, लेकिन इसी बात को पकड़कर उन्होंने कहा, रविंद्रनाथ ने राम किंकर वैद्य से कहा कि किंकर दा, आप पीछे मुड़कर नहीं देखना। और इन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और उस अपनी आवक्ष प्रतिमा को जो बना रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा थी उसको बनाया, बखूबी पूरे तरीके से बनाया, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बड़े विषाद में थे उस समय, इनको बड़ा दुख हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के जाने का, तो थोड़ा सा उसका रूप जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी। ठीक, तो आगे लिखेंगे हम, देखिए आवक्ष प्रतिमा पोएट और इन्होंने बनाई थी रविंद्रनाथ, पहली इन्होंने बनाई थी 1938 ईस्वी में, पोएट की बनाई थी 1938 ईस्वी में, और जो रविंद्रनाथ की आवक्ष प्रतिमा है 1943 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी। ठीक, ये मैंने दोनों ऐसे लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रतिमा, और दो पहली का माध्यम, इसका माध्यम था सीमेंट कासा, इसका माध्यम था सीमेंट, इसका माध्यम कांसा और इसका माध्यम सीमेंट, आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सीधा सीधा लिख दिया एकदम। और दोनों ही आप देखेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित है। और देखिए जब ये प्रतिमा बनाई जा रही थी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि किंकरदा पीछे मुड़कर मत देखना, मतलब देखी नाई फ्री के, इस पर इनका एक उपन्यास भी लिखा गया है, देखी नाई फ्री के, तो इस पर समरेश बसु ने एक उपन्यास भी लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो, रविंद्रनाथ राम किंकर वैच पर। ठीक है, अब देखिएगा इनके 57 चित्र के लगभग चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और एक ऐसा महान मूर्तिकार, इन्होंने विशालकाय मूर्ति भी बनाई है, यक्ष और यक्षी की प्रतिमा भी बनाई है। ठीक है, कहां पर बनाई है तो लिख लेंगे मूर्ति यक्ष व यक्षी की प्रतिमा भी बनाई है इन्होंने। कहां पर बनाई है, 24 फीट में है, बांप है इसकी 24 फीट, और ये बनाई है इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर। कहां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर। ठीक है, नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर इन्होंने ये प्रतिमा बनाई है। ठीक है, इन्होंने कुछ चित्र भी बनाए थे पेन और कागज स्याही के माध्यम से, तो कुछ चित्र भी हैं इनके, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1980 ईस्वी में। देखा आपने, काफी कुछ था इनके बारे में जानने के लिए, जानना चाहते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा सा, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।